You're watching Newstainment Television. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। चेयर साहब, शुरू से शुरू करते हैं। The most loved statesman, है ना? उन्हें सब प्यार करते हैं, हर कोई उनके बारे में बड़ी अच्छी बातें करता है, एंड उन्होंने प्रूव भी किया है दैट ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। वो किरदार निभाना और कंगना जी का आपको इस बारे में बताना, थोड़ा सा वो बताइए। नमस्ते। आपने अभी अटल जी के बारे में इतना सब कुछ, अगर अटल जी को वो नर्वस कैसे दिखते हैं तो वो अभी देख सकते हैं हम। बट यू नो, पहली बार जब कंगना जी ने बताया कि आई वांट टू प्ले अटल जी, मतलब आई हैड अ लंप इन माय थ्रोट, गूज़बम्प्स। आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट, आई डिडंट नो व्हाट टू से। आई गेस फॉर 5 मिनट्स आई वाज जस्ट सिटिंग देयर क्वाइटली थिंकिंग कि ये मतलब क्या पूछ ले इन्होंने, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एंड इसलिए नहीं कि वो जो बोल रही थी कि नहीं कोई नहीं मेरी टीम मेरे साथ है, ऑफकोर्स अनुपम जी ने जैसे कहा, शी इज अ ह्यूज इंस्पिरेशन, ह्यूज इंस्पिरेशन फॉर मी, डेफिनेटली शी इज अ ह्यूज इंस्पिरेशन। एज एन एक्टर ज्यादा हमने उनका काम देखा है, पर जब सेट पे गया और सेट पे जिस तरीके से उन्होंने अपना होमवर्क किया था, ट्रू टू गॉड आई एम टेलिंग यू कि मैंने अपना होमवर्क किया था, लेकिन जो उन्होंने अटल जी का भी होमवर्क किया था और जो छोटी छोटी चीजें उन्होंने मुझे बताई, और ऐसी शॉर्ट के पहले कान में आके धीरे से कुछ दिनों मरमर करती थी, और एक बार तो मैं रिहर्स कर रहा था अपनी लाइनें और उन्होंने आके, और मैंने फिर टेक में कुछ थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की, उन्होंने आके कहा जो रिहर्सल में आप कर रहे थे ना चुपचाप वही कीजिए। सो शी इज ब्रिलियंट सीरियसली, एंड मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। और आई गेस अटल जी जब प्ले करने का मौका आया तो वो आसान हुआ मेरे लिए सिर्फ कंगना की वजह से। आई थिंक आई डोंट नो एनी अदर वे, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, यू नो, मुझे डायरेक्टर जिस दिशा में चाहे वो ले जा सकते हैं, एंड आई एम मोर कंफर्टेबल इन दैट मैनर। एंड आई थिंक द वे शी हैड प्रिपेयर्ड फॉर द एंटायर थिंग, एंड जैसे महिमा ने भी कहा कि एक ऐसी फिल्म, ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा किरदार, इसमें पोर्ट्रे करना, डायरेक्ट भी करना, प्रोड्यूस भी करना, इतनी मुश्किलों का सामना करना, आई थिंक अगर पुष्पा का थर्ड पार्ट आएगा तो आई थिंक कंगना शुड प्ले दैट पार्ट, बिकॉज झुकेगा नहीं इस साला कभी भी। यू नो दैट इज व्हाट शी इज फॉर ऑल ऑफ अस, शी इज वंडरफुल, शी इज वंडरफुल। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल फिल्म। एंड अनुपम जी, वेरी राइटली यू सेड इट इज, इट लुक्स लाइक एन इंटरनेशनल फिल्म, लुक्स लाइक एन इंटरनेशनल प्रोडक्शन। तो ऐसे सब्जेक्ट को अलग तरीके से भी पोर्ट्रेट किया जा सकता था, लेकिन जो हमने ट्रेलर में अभी देखा, आई थिंक इट इज ट्रूली इंटरनेशनल, एंड ऑल ऑफ अस आर वेरी वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद इट। थैंक यू। दिस इज न्यूज़टेनमेंट टेलीविजन, न्यूज़टेनमेंट टेलीविजन।